हेलो फ्रेंड्स, रिंकू किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे ओर से शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। और फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर किस बात की, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पे कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं रेसिपी के ओर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एग रोल बना के दिखाऊंगी। तो देख लीजिए एग रोल बनाने के लिए क्या क्या लग रहा है। ये है बीट, कद्दूकस कर लिए हैं, गाजर को भी कद्दूकस कर लिए, दो हरी मिर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में काटे हैं, ये पत्ता गोभी इसको भी हम काट लिए हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो तेल हम डाल दिए हैं कढ़ाई में, तेल भी गर्म हो चुका है। इसमें हम डाल रहे हैं हरी मिर्च, ये है पत्ता गोभी, गाजर और ये बीट। अभी इस सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अभी इसमें हम दे रहे हैं नमक स्वाद अनुसार और दे रहे हैं काली मिर्च। अभी इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे फ्रेंड्स। और ऐसे बरसात का मौसम है, घर पे बनाइए और खिलाइए, सबको खिलाइए, अच्छा लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, स्टेपिंग बनके तैयार हो चुका है। अभी मैदा को मैं गून लूँगी। फ्रेंड्स, मैदा को मैंने पहले से गूंद के रख दिए थे नमक और रिफाइंड ऑयल से, और 5 मिनट तक उसको रख दिए थे और ऐसे पतला पतला करके हम बेल लिए। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हर एक रोटी को रिफाइंड ऑयल से हल्का हल्का फ्राई कर ले रहे हैं। ये फ्रेंड्स, रोटी फ्राई हो चुका है। अभी तवा में हम एक अंडा को दे दिए, उसको अच्छी तरह से फैला देंगे। उसके ऊपर से हम रोटी को भी डाल देंगे। अभी इसको अल्टी पल्टी थोड़ा कर दे रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो स्टेपिंग को बना के रखे थे उसको भी इसमें हम डाल दे रहे हैं। ऊपर से थोड़ा प्याज दे दे रहे हैं और थोड़ा खीरा काट के रखे थे उसको भी हम डाल देंगे। अभी इसमें हम नींबू दे दे रहे हैं, नींबू का रस दे दे रहे हैं थोड़ा। और ऊपर से क्यूब करके हम रखे थे पनीर को काट के, उसको भी हम एक एक करके दे देंगे। ऊपर से थोड़ा ग्रेटर करके पनीर को भी डाल दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एग रोल बन के तैयार हो चुका है। अभी देखिए धीरे धीरे से हम फोल्ड कर दे रहे हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है फ्रेंड्स, जरूर बनाइएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये रेसिपी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पे कीजिए ताकि मेरे नए नए रेसिपी सबसे पहले आपके पास पहुँचे।